एक सत्य मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं कि 3.5% जो टॉप के होंगे वही जो है ठीक ठाक कॉलेजेस में जा पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कॉलेज बताने योग्य भी नहीं है। ये कम से कम, मैं बहुत ही सच्चाई से बोलूंगा, कम से कम 24 लाख रुपए आपके 4 साल में खर्च करवा देते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपकी फीस कम लगती है, आपकी रैंक जितनी बुरी होती जाएगी उतने ज्यादा आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ती है, वसूली अच्छी खासी होती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, मेरा नाम ओम और आज से मैं एक सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं जैसा मैंने पिछले साल किया था। ये मैंने 75 वीडियोस की एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बनाई थी जो पिछले साल के बच्चों को बहुत काम आई थी। अगर आप इन वीडियोस के न्यूएस्ट कमेंट जाकर के देखेंगे तो वहां पर बच्चों ने बताया हुआ कि इससे हमें क्या क्या प्रॉफिट्स हुए हैं और आप सभी को वो ख्याल रखने हैं। और आज मैं इस वीडियो से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम नहीं भर रहे होते, सिर्फ जेईई मेंस का पेपर भरते हैं। नो डाउट, भरना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक सत्य मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं कि 3.5% जो टॉप के होंगे वही जो है ठीक ठाक कॉलेजेस में जा पाएंगे। यह परम सत्य बात है, लेकिन बाकी लोग जो बीटेक कर रहे हैं उनका क्या ख्याल रखेंगे, वो कहां जाएंगे, तो उनके लिए बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उनके बारे में मैं बताता हूं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना जो आपको रेलेवेंट लगे, आपके लायक लगे, उनको ही भरिएगा क्योंकि उनको भरने में भी पैसे खर्च होते हैं हमारे माता पिता श्री का। जैसे पीडब्ल्यू का कोर्स तो मान लीजिए 4,000 में मिल जाता है, लेकिन कई इसमें से होंगे जिनका फॉर्म ही 4,000 का आता है, तो इसलिए आपको उनमें से चुनना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है जी, आइए देखते हैं जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इसके लिए जितने तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं करते रहिएगा, लेकिन एक सेकेंडरी ऑप्शन बनाने का ये मतलब नहीं होता, फॉर्म भरने का ये मतलब नहीं होता कि आप मेन टारगेट से हट रहे हैं। समझदार आदमी वो दोनों चीजें करता है अगर एक चीज नहीं मिलती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है, वहां पर हार और जीत होती रहती है। ठीक है जी, मैं अगर अपने घर की बात करूं तो मेरे ही खुद के एक रिश्तेदार हैं जिन्होंने जेईई मेंस के प्रिपरेशन करी थी कोटा में जाकर के, उन भाई साहब का नहीं निकला, उसकी कई प्रॉब्लम्स थी, पढ़ने में बालक ठीक था लेकिन बीमारी की 2.5 महीने तक चल गई जिसकी वजह से वो सच में बहुत दिक्कत में रह गया और उसने फॉर्म नहीं भरे थे। एक ऐसा शख्स जिसके घर में लोगों को, मैं खुद लोगों को बता रहा हूं कि भैया ये भरा करो, सब लोग YouTube पे आके समझा रहा हूं, मैंने बाकायदे मैसेज किए थे कि भैया ये फॉर्म भर देना, बट वो किसी वजह से, चलो मान लेता हूं, नहीं भर पाए। और आज वो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शायद मैं उस कॉलेज का नाम भी यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, उनमें आप में से बहुत लोग जानते नहीं होंगे, शायद मेरे नाम लेने की वजह से उनकी औकात बढ़ सकती है। मैं मजाक कर रहा हूं लेकिन सच्चाई ये है कि वो कॉलेज बताने योग्य भी नहीं है और मैं रेकमेंड नहीं करता, इसके बावजूद वो वहां गया ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आखिरकार इन एग्जामिनेशन को देने में बुराई क्या होगी आपके लिए, इनमें से कोई सब नहीं देना, 10 थोड़े ना दोगे यार, आपको उनमें से कोई 1-2 सेलेक्ट करने हैं जेईई मेंस और एडवांस के अलावा। नो डाउट आपको फुली प्रिपेयर्ड रहना है जेईई मेंस फोड़ने के लिए, जेईई एडवांस फोड़ने के लिए, लेकिन इनके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बातचीत करेंगे टॉप 10 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में अदर देन जेईई मेंस एंड एडवांस। यहां देखिए सबसे बड़ी लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है कि अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएटेड। ठीक है, आप इसको क्रिएट करते हैं, मनुष्य आपके हाथ में है ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, नहीं तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो तो मेरे घर के ही है बालक, है ना जी, तो उनका एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। मैं आपको बताता हूं, पिछले जब काउंसलिंग चल रही थी तो सचिन सर का मैसेज आया कि एक ये बच्ची है जिसने ये फला फीस पे नहीं कर पाई है, क्या दोबारा ये कर सकती है, तो उसका जवाब था नहीं, उसकी रैंक थी 8,000 कुछ और गर्ल्स कोटे पे उसको अच्छी खासी एनआईटी मिल रही थी। सोच कर देखो एक बार, क्योंकि वो बात उसको पता ही नहीं थी कि ये कब तक पे कर देनी है, जबकि मैंने वो वीडियोज भी बनाए हुए, तो जिनको फायदा मिला होगा मिला होगा, लेकिन उस बच्ची तक नहीं पहुंची वो वीडियो। इसलिए मैं चाहता हूं कि कृपया आप सभी लोग सावधान होकर के इन चीजों को सुन लिया करें, वैसे भी तुम दिन भर बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो, गजब बेइज्जती है।
उससे बजाय आप एक ज्ञान की चीज ले लेना जो काम की बात लगी, उसको यहां से उठा लेना। ठीक है जी, आइए देखते हैं। टॉप 10 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैं बिटसाइट के बारे में बात करूंगा। इसके बाद देखिए, ये जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये लोग हैं आपके सामने, देख लीजिए। इन पर ही बातचीत और चर्चा होने वाली है, जिसमें से पहला मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा नन अदर देन बिट्स पिलानी का एंट्रेंस गेट, दैट इज बिटसैट एग्जामिनेशन। अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन होगा, मतलब लेवल वाइज एनसीईआरटी ही आएगा, जेईई मेंस से हल्का सा नीचे रहेगा, लेकिन यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है। तो अगर ये गेम जीतना है तो भैया जी इसके लिए तैयारी जेईई मेंस वाली ही चाहिए। ठीक है जी, आइए देखते हैं इनमें कंडक्टिंग बॉडी कौन है। बिट्स पिलानी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कैंपस है, इनके बारे में वीडियोस मैं बना चुका हूं, चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, आप देख रहे हैं। दैट्स इट, कहानी बात करते हैं। कैंपसेस चार हैं, एक इंटरनेशनल, बाकी तीन यहां पे कैंपसेस हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे अच्छा पिलानी कैंपस, लेकिन अब हैदराबाद एंड गोवा भी बहुत अच्छा खासा कर चुका है, क्योंकि ठीक ठाक टाइम हो गया इनको एस्टैब्लिश किए हुए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बातचीत यहाँ पे है, देख लीजिएगा भैया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, एग्रीगेट इतना चाहिए, बाकी इंडिविजुअली इतना इनमें कम से कम होना ही चाहिए, है ना जी। ओके, ड्रॉपर अलाउड हैं, लेकिन डबल ड्रॉपर अलाउड नहीं है। फर्स्ट रैंक स्टूडेंट ऑफ स्टेट को वो अपने यहाँ बुलाते हैं, कोई एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, एडमिशन दिलवा देंगे। सीट सिर्फ मेरिट बेस्ड है, कभी गलती से ये मत सोच लेना कि बिट्स पिलानी तो प्राइवेट कॉलेज है, पैसा है हमारे घर पे, हम देंगे, हो जाएगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, किसी का नहीं होगा, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता, यहाँ पर होनहार बालक ही जा पाते हैं, सिंपल लाइन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस के थ्रू एनआईटीज मिलती है उसको छोड़ देते हैं, आईआईटीज अगर उसको टॉप 7 आईआईटीज नहीं मिलती तो वो यहाँ चले जाते हैं। ठीक है जी, तो इसकी औकात साख ताकत बहुत ऊपर लेवल पे है। ठीक है जी, आइए देखते हैं अभी बिटसाइट 2024, ये इस तरीके से दो सेशन में हो सकता है। आपके काम की बात हो तो आप डेट जो है नोट करते हुए चलिएगा। वाह कितना अच्छा बनाया मैंने। अच्छा, बिट सेट एग्जामिनेशन की बात करें तो सिलेबस की बात करें, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आएगी, लेवल ठीक ठाक होगा, लेकिन जेईई मेंस से थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है जी, यहाँ पर स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम मैं बता चुका हूँ। फीस की बात कर देता हूँ यहीं पर, बहुत सारे बच्चे शायद ये पेपर भी ना दें, ये कम से कम, मैं बहुत ही सच्चाई से बोलूँगा, कम से कम 24 लाख रुपये आपके 4 साल में खर्च करवा देते हैं, ये मान के चलिएगा। ठीक है जी, 24 लाख रुपये, तो ये बात इतना छोड़ दीजिए, यहीं तक दिख जाइए। हाईएस्ट पैकेजेस वगैरह यहाँ पर देखिए आराम से आपको मिल जाएंगे, एवरेज पैकेज भी ठीक ठाक रहता है, मतलब आपको 20 के आसपास का एवरेज पैकेज मिल जाएगा। अगर आपको सीएससी मिल गया तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं यूनिकनेस क्या है। हाँ, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है, आपको कॉन्टेंट पढ़ने को मिल जाता है, पढ़ लीजिए, जाइए मत, काम बन जाता है। और एक चीज़ और भी होती है, अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है ना, तो आप 1 साल तक छुट्टी ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए अपनी डिग्री से, उसको आइए बाद में कंसिडर कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे आप अपने स्टार्टअप को कर सकते हैं कैंपस में रहते हुए। ये यूनिक फीचर, ये सिर्फ आईआईटी दिल्ली में ये अभी तक चीज़ें थी, लेकिन आईआईटी दिल्ली में ऐसा था कि आपके कुछ जो है क्रेडिट्स कम कर देते थे, बाकी ईयर में शिफ्ट कर देते थे, ताकि आपको 6 महीने मिल जाएं स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है, अभी इन्होंने अपने यहाँ लगाया है, और क्यों लगाया है उसका रीज़न बता देता हूँ, हालांकि उससे पहले हो चुका था। बिट्स पिलानी के इस समय जो उनके जो डायरेक्टर सर हैं बिट्स पिलानी के, वो आईआईटी दिल्ली के हमारे डायरेक्टर थे जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर। ठीक है जी, तो वो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आते हैं, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि बिट्स पिलानी अगर आज यहाँ खड़ा है तो अगले 2-4 सालों में और ऊपर ही जाता हुआ आपको दिखेगा। ये है वीआईटी ट्रिपल एग्जामिनेशन, ये कराता है वीआईटी वैल्यू, फेमस सा कॉलेज है, लेकिन थोड़ा रैंकिंग में आप देखेंगे एनआईआरएफ इनको अच्छी खासी मिल जाती है, नो डाउट उतना डिजर्व नहीं करते, लेकिन हाँ अच्छा कॉलेज है, बुरा कॉलेज कहने जैसा कॉलेज नहीं है भाई, है ना। इन्होंने बहुत कोशिशें करी हैं अच्छा करने की, लेकिन इनके यहाँ दिक्कत ये है कि इनटेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, जितने बच्चे आएंगे पैसे उतने ज़्यादा होंगे, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट रन हो पाएगा। ये इनके कैंपसेस देखने को मिल जाएंगे, 60% ला दीजिएगा जनरल के बच्चे हैं, SC ST तो 50% पे काम बन जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब क्लास 12th की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, टोटल मार्क्स 125, एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट का होगा, MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, Math/Biology, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये सारा कुछ इसका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। और ये अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए मैं किनारे होता रहूंगा, आप ले लीजिएगा। ठीक है, ओके, 11th और 12th के NCERT बेस्ड यहाँ पर सवाल आने वाले हैं। चलिए जी आगे बातचीत और चर्चा का विषय बनाते हैं,
टेंटेटिव डेट्स क्या हैं एक बार देख लीजिए, मार्च के आसपास आ जाएगा ये, मार्च में चेक कर लीजिएगा। वीआईटी ट्रिपल का एग्जामिनेशन जो है 17 अप्रैल के आसपास होगा, ठीक है जी। फीस की बात करें तो यहाँ कैटेगरी वाइज फीस होती है, अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपकी फीस कम लगती है, आपकी रैंक जितनी बुरी होती जाएगी उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ती है, वसूली अच्छी खासी होती है। आइए पैकेजेस की बात करें, इन्होंने हाईएस्ट पैकेज ये कोट किया है और एवरेज पैकेज जो है 9 के आसपास मिल जाता, लेकिन सबके लिए ये सच नहीं होगा, मीडियम पैकेज इससे बहुत लोअर आने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको ढंग से देखना चाहते हैं, वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नाम सर्च करिए मेरा और उसके साथ ये लिख दिया करिए कॉलेज, अपने आप मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। अगला एग्जामिनेशन है, दिल खोलकर इसके बारे में बताना चाहेंगे, यूजी डबलई जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद कराता है। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी अलग ही साख, इनकी अलग ही ताकत, अलग ही औकात है। एप्पल पहली बार जब इंडिया आया था तो सिर्फ इसी कैंपस में गया था, उसका रीजन था जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टडी है जो पढ़ाते हैं ये एक्चुअली वो काम आता है कंपनीज के, ठीक है जी। और वो वैसे उस तरीके के डिग्री होल्डर बहुत ही कम होते हैं, ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो या 12th पास होना जरूरी है, यहां पर आप जेई मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन अगर जेई मेंस के थ्रू जाते हैं तो ये फॉर्म जब तब भी भर लीजिएगा, ये फॉर्म नहीं, इनका एक फॉर्म निकलता है वो फॉर्म भर लीजिएगा, तब ही आप वहां पर एनरोल होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है जी। ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ड्यूअल, हाँ यहाँ पर देखिए एडमिशन टू ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम बीटेक एंड मास्टर्स ऑफ साइंस बाय रिसर्च, ऐसे करके नाम रहता है, 5 साल का प्रोग्राम है। बाकी देखिए एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा, 2 सेक्शंस होंगे, एक SUPR होगा, एक REP होगा, इनके नाम लिखे गए हैं, आप पढ़ लिख कर समझ सकते हैं। इनके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो, बातचीत कहाँ करी है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। अब ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूँ जाकर रेकमेंड करके देखना, यहाँ पे समझ लीजिए आपके ये 2 टेस्ट होने वाले हैं, कुल मिला के आज आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ये जान लीजिएगा। इनके एवरेज पैकेज देखो भैया 32 LPA है और ये सच्चाई है, एक्चुअली 27-28 लाख रुपए का एवरेज पैकेज यहाँ आराम से मिल जाता है, और ये कन्फर्मेशन वाला मेरा खुद का एक स्टूडेंट है इसलिए मैं गारंटी के साथ ये बात कह पा रहा हूं, ठीक है जी। हाईएस्ट पैकेज 72 लाख मैं आपको बता रहा हूं, एवरेज पैकेज देख लो करीब करीब 27-28 लाख तक मिल ही जाता है और वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कैंपस में जाकर जैसा उसने बताया था कि यहाँ पर सर आकर के पढ़ना लिखना पड़ता है, असाइनमेंट मिलते हैं, ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं, टाइम स्लॉट्स होते हैं, उसके बाद फिर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा पढ़ने लिखने वाली जगह है, लेकिन हाँ अच्छा खासा आपका यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। फीस नो डाउट फीस थोड़ा महंगा है भैया, ये बहुत क्लियर है, 4 लाख रुपए मान के चल लीजिए, 5 लाख रुपए मान के चल लीजिए, तो करीब करीब आपके ये खत्म करवा देंगे 18 लाख रुपए तक, ठीक है। IAT एग्जामिनेशन की बात करते हैं, IAT कौन कराता है, ये आइजर्स कराते हैं, हमारे देश में 7 आइजर्स हैं, 7 आइजर्स के बारे में भी कभी बातचीत होगी तो वो भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए IAT के थ्रू आप 7 आइजर्स में जा सकते हैं, ISC बेंगलोर में जा सकते हैं, ISC बेंगलोर किंग है भाई, पूरे साइंस का किंग है वो पूरे इंडिया में, ठीक है सर। IIT से ऊपर आता है जी बाप, हम तो उसको कहते हैं कि बाप ऑफ ऑल IITs, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी, SC ST के लिए, बाकियों के लिए कहाँ गया भैया, 60% होगा पक्का, 60% होगा, ठीक है जी। ये लिखा हुआ फीस के बारे में, मार्क्स के बारे में देख लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सब मैं किनारे हो जाता हूँ, आप चाहेंगे तो ये मिल जाएगा। अच्छा कहीं आपको ये इसका वो चाहिए, PDF चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको पिन करा दूंगा, आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप इनके बारे में इत्मीनान से ध्यान से देख पाए। यहाँ पे सिलेबस आप देख लीजिए, NCERT ट्रिकी बेस्ड एग्जामिनेशन डेट जून के आसपास होता है, आइजर विल गिव द स्टाइपेंड ऑफ 5,000 एवरी मंथ एज अ स्कॉलरशिप फॉर 3 ईयर्स, ध्यान रखिएगा ये भैया पढ़ने का भी आपको पैसा देंगे, फीस तो लेते हैं नो डाउट, लेकिन आपको स्टाइपेंड भी 5,000 रुपये हर महीने, मतलब 60,000 रुपये तो यूं ही आपको मिलता रहेगा, अच्छी बात है। आइए बहुत सारे बच्चे इसलिए भी जाते हैं, MET एक एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कराता है, ये एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज है वो करवाता है, तो मणिपाल का जो मेन इंस्टीट्यूट है ना वही सबसे अच्छा है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, उसमें भी आप CSE, ECE और IT प्राइवेट कॉलेजेस में बेसिकली वहाँ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मेरी एक पहले से वीडियो आ रखी है डोंट डू BTech करके फ्रॉम चंगू मंगू कॉलेजेस, अगर आप चाहें तो देखिएगा, वहाँ पर मैंने रियलिटी के बारे में बात करी है, उसमें कुछ भी किसी की बुराई नहीं है, वो सच्चाई है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा आपकी खोपड़ी खुलेगी, ठीक है, शायद आपका JEE Mains में पढ़ने का मन और लगने लग जाएगा, ठीक है जी।
आई अगली बातचीत है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बातचीत करूं तो WBJEE जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में, क्योंकि यहां पर एक कॉलेज है दैट इज जाधवपुर यूनिवर्सिटी जो कि बहुत सस्ता है, 12-13 हज़ार रुपये में पूरा 5 साल आपको पढ़वा देंगे। वो 7 साल का है तो मान लीजिए 30-40 हज़ार रुपये में आप पूरा 5 साल का, सॉरी 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे और आपका एवरेज प्लेसमेंट वो 20 लाख के आसपास ला देंगे, बल्कि उसे ऊपर ही होता है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, अच्छा कॉलेज होता है, लेकिन सबको एडमिशन तो ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा। और आपको बता दूं यहाँ पर एक कोटा भी होता है, अगर 100 सीट्स हैं तो 85 सीट्स तो सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, 15% होंगे जिसमें बाकी लोग भी आ सकते हैं, कंपटीशन भी वहाँ पर होगा। ठीक है जी, क्लास 12th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 17 साल तक के होने चाहिए आप इस डेट तक। ठीक है, ओके जी, मैं किनारे हो रहा हूँ, जाइए तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके टेंटेटिव डेट्स देख लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म December 2024, आने वाला दिसंबर देख लीजिएगा। इन सब के बारे में वैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर इनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताता चलूंगा, प्लेलिस्ट लेकिन देखना पड़ेगा आपको। वाह, कितना अच्छा लगा दिया मैंने। ओह माय गॉड, वाओ। आइए अगला देखेंगे, MST CET एग्जामिनेशन के बारे में। MST CET के थ्रू कम से कम 10 ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस के मैंने नाम यहां पे लिखे, COEP पुणे, ऐसे बच्चे जो महाराष्ट्र के हों उनके लिए तो भैया ये जन्नत है, मैं खुद कहता हूं जन्नत है। चलो अगली वीडियो बनाता हूं ना, उसमें एक काम करेंगे, अपना एक स्टूडेंट लेके आएंगे जिससे मैंने पिछले वाली वीडियोस का रिव्यू लिया हुआ था, उसको ले आएंगे आपकी बार समझवाने के लिए कि ये कैसा कॉलेज है। बहुत अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है और बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ही इसको कराती है। इसमें अब होता क्या कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे जेईई मेंस के थ्रू भी ओपन कर दिया एडमिशन लेने के लिए, करीब 15% के आसपास वो सीट सब खुल गई हैं। ठीक है जी, ओके, बाकी चीज़ें आप एक बार पढ़ करके देख सकते हैं। सिलेबस आपको, हाँ यहाँ सावधान रहिएगा, यहाँ सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आता है, क्लास 11th का सिलेबस नहीं आता है, और आपको महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। सावधान रखिएगा, अपने आप को यहाँ 11th की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए तो ये अच्छी बात होती है। चलिए जी, आइए अगली बातचीत और चर्चा का विषय बनाते हैं, गुजरात CET। गुजरात CET के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, केवल 45% मार्क्स हैं तभी आपके काम बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये तक का है। ठीक है, ये डेट्स हैं इनकी, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स हैं, लास्ट डेट एडमिट कार्ड रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है मई के आसपास हो जाता है, इसके बाद आपके एडमिशन शुरू हो जाते हैं। अब बात करनी है KCET एग्जामिनेशन के बारे में। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि दो एग्जामिनेशन होते हैं, KCET एंड कॉमेड के। कॉमेड के जो एग्जामिनेशन है, शायद मैं लेकर के आया हूँ, एक बार देख लेता हूँ। कॉमेड के जो एग्जामिनेशन है वो प्राइवेट कॉलेजेस कराते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का एक ग्रुप होगा वो कंडक्ट कराता है, और कर्नाटका CET जो होता है वो कर्नाटका की एग्जामिनेशन अथॉरिटी कराते हैं, मतलब सरकारी काम ये वाला है। इसके थ्रू जो कर्नाटक के बच्चे हैं उनके बहुत कम फीस में अच्छे कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, दोनों में एडमिशन हो जाते हैं कम फीस में KCET के थ्रू। तो कर्नाटक वाले बच्चों के लिए ये बढ़िया चीज़ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, फीस कम लगेगा और इसके लिए सिर्फ कर्नाटका के बच्चे ही एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन आप कॉमेड के का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और मैं आपको एक सच बताता हूँ, कॉमेड के जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं ना वो सारे बेंगलोर में हैं, और आपको ये बताऊँ तो ठीक ठाक, ऐसा नहीं कह सकते खराब कॉलेज, अगर मैं इनके टॉप 7-8 कॉलेज उठाऊँ तो मैं इंडिया लेवल के कॉलेजेस में उनको गिन सकता हूँ प्राइवेट के हिसाब से। मैं नो डाउट IIT और इनसे कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन प्राइवेट के हिसाब से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो उनको भी आप भर सकते हैं, चाहे आप कर्नाटका के हों चाहे नहीं हों, किसी भी स्टेट के हों। ठीक है जी, तो उनके डेट्स वगैरह के बारे में यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, देख लीजिएगा भैया। ठीक है जी, अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो भैया, 60% होने चाहिए आपके, 60% मिनिमम होने चाहिए, इतना तो ला ही दोगे। ठीक है जी, मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसी कोई भी वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो वहीं से मैं आइडिया पिकअप करता हूँ, उसी को उठाकर उस पर काम करता हूँ, तब आपके सामने लाकर प्रस्तुत करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।